हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंजॉय फूड ब्लॉग्स में स्वागत है आपका। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ब्रोकली और आलू और मटर की सब्ज़ी। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ लेंगे ब्रोकली एंड फ्रेंड्स अब हम लेंगे आलू मटर और यहाँ मैं ले रही हूँ प्याज जिसको मैंने स्लाइस किया हुआ है और टमाटर ले रही हूँ, हरी मिर्च ले रही हूँ यहाँ पर और लहसुन की कलियाँ जिसको अच्छे से चॉप करके रखा हुआ है और साथ में मैंने लिया है अदरक। तो दोस्तों ये देखिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए होंगे सब्ज़ी बनाने के लिए और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनने वाली है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स हम ले लेते हैं यहाँ पे एक कढ़ाई और यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच डालना है सरसों का तेल और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच जीरा, जीरे के दाने मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर दे रही हूँ सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे फ्राई करने के लिए गार्लिक जिसको आप लहसुन भी कह सकते हैं, इसको हमने चॉप करके रखा हुआ था। और अब हम डालेंगे प्याज, ये देखिए इस तरीके से अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे दोस्तों, सुनहरा होने तक हम इसको अच्छे से भुनेंगे दोस्तों। तो ये देखिए अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे, इस तरीके से इसको भी फ्राई करेंगे दोस्तों। और जो फ्लेम है, जो गैस की फ्लेम आपको रखनी है वो आपको लो पर ही रखनी है दोस्तों। तो अब हम ले रहे हैं टमाटर, ये मैंने 2 टमाटर लिए थे स्मॉल साइज़ के, आप चाहे तो एक बिग साइज़ का टमाटर भी ले सकते हैं। और अब हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और यहाँ हम लेंगे नमक स्वाद अनुसार, ये देखें नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। और यहाँ हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो नीचे लगे नहीं और बिल्कुल भी कढ़ाई से चिपके नहीं, तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे दोस्तों। और हम अब इसको मसाले को अच्छे से पकाएंगे और जब तक पकाना है जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दे, जब भी कोई मसाला तेल छोड़ देता है इसका मतलब वो अच्छे से पक चुका है, अच्छे से वो फ्राई हो चुका है तेल के अंदर। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू, हमारा जो मसाला था पक चुका है अब हम इसमें आलू डाल देंगे। और ये देखिए आलू को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम इसमें मटर ऐड कर, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप गाजर ऐड कर सकते हैं, कोई भी वेजीज जो आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए हमारी सब्जी जो है मसालों में अच्छे से मिक्स हो चुकी है, ये देखिए। फ्रेंड्स अगर आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें ब्रोकली डाल देंगे, ये देखिए ब्रोकली को हमने अच्छे से कट करके और धो के रखा हुआ था और तब हमने उसको इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए ब्रोकली हमने अच्छे से इसमें कर दिया है ऐड और इसके जो डंठल होते हैं फ्रेंड्स उसको भी हमने कट करके इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैं पानी ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा, आपको इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में भी मैंने हल्का सा पानी ऐड किया था और अभी भी मैं हल्का सा पानी ऐड कर रही हूँ। मैं इसको फ्रेंड्स ड्राई बना रही हूँ, अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं इसको कवर कर दूँगी इस तरीके से और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे, करीबन 20 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे और जो हमारी ब्रोकली की सब्ज़ी है वो बनकर रेडी हो जाएगी दोस्तों। और ये देखिए बनकर हो गई है तैयार, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ इसको, ये देखिए। और अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखा देती हूँ बाउल में। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने व्हाइट कलर का बाउल लिया है, उसमें मैंने इस सब्ज़ी को अच्छे से प्रेजेंट करके आपको दिखा रही हूँ कि ये सब्ज़ी किस तरीके से बनी है। एंड फ्रेंड्स इसको आप चपाती के साथ या फिर राइस के साथ भी खा सकते हैं और खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है और ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है क्योंकि ब्रोकली बहुत हेल्दी होती है। तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाइएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।